इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। अच्छा एहसान भाई हैं, इनका सवाल ये है कि घर में कोई सामान वगैरह जब इनसे मंगाया जाता है तो इसके बचे हुए पैसे ही रख लेते हैं बग़ैर बताए, तो उसका रखना जायज़ है या नहीं। इन्होंने मिसाल दी है दूध की कि अगर दूध मंगाया जाता है तो अगर 2 किलो दूध 84-85 रुपये का भी आएगा तो इस सूरत में अगर 10-20 रुपये बचते हैं, या कोई सामान 90 रुपये का आया और उसमें से 10 रुपये बच गए तो ये 10 रुपये देते नहीं हैं, और कभी घर वालों को बता देते हैं कि वो पैसे मैंने रख लिए और कभी नहीं बताते, तो ऐसा करना कैसा है। देखें इस तरीके से कि जिन पैसों के बारे में घर वालों को ये यकीन होगा, यानी जिस सामान के ताल्लुक से आप ये बोलेंगे कि सामान घर वालों ने मान लीजिए 50 रुपये दिए और उन्होंने कहा कि फलां सामान लेकर आओ ये 50 रुपये तक का ही मिलेगा, और आप लेने गए और बाद में वो सामान कम का मिलेगा, तो ये घर वालों को उसकी खबर देनी होगी, यानी जो पैसे का मालिक है कि सामान जो इतने का मिला। अगर आप उसमें से 5 रुपये भी बचते हैं, सामान 45 का भी मिला और आपने वो पैसे 5 रुपये रख लिए, तो घर वालों को ये गुमान नहीं होगा कि सामान 45 का है। तो ऐसी सूरत में कि जहां उनको रेट का मालूम नहीं है और उनका अंदाज़ा ये है कि 50 या 100 रुपये का सामान होना चाहिए और वो सामान कम का है, उसमें पैसे बचे हैं, तो घर वालों को बताना चाहिए, बता के रख लेना चाहिए, उसमें हर्ज नहीं है। और अगर सूरत यह है कि घर वालों को मालूम है कि कोई चीज़ 2 लीटर अगर लाई जाए वो 90 रुपये की, उन्होंने 100 रुपये दिए और 100 रुपये देने के बाद आपसे वो 10 रुपये उन्होंने नहीं मांगे, तो अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये आपके घर पे घर के उर्फ के हिसाब से हो सकता है कि छोटे मोटे सामान में अगर पैसे बचते हों तो बच्चे ले लेते हैं और उनको मना नहीं किया जाता। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि देने वाला कभी कदार भूल भी जाता है पैसा वापस लेना बेध्यानी के तहत। तो बेहतर ये है कि हर सूरत में बता देना हर तरीके की, जो है वो फसाद से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर सामान 90 रुपये का आया तो आप उन्हें बता दें ये सामान है, जो पैसे बचे तो तुमने रख लिए, तो इस तरीके से बता सकते हैं। और अगर ऐसा है कि आपके यानी इतने कम पैसे रखने में घर वालों को एतराज़ नहीं होता, और उमूमन आपके घर के उर्फ में भी ये कि अगर सामान मंगाया जाता है तो वापस पैसे बच्चों को दे दिए जाते हैं, यानी अक्सर दे दिए जाते हैं, तो अगर ये चीज़ उनके इशारों से भी जाहिर है, मसलन ये कि एक बार सामान मंगाया 4-5 रुपये बच्चे आपको दे दिए कि चलो रख लो कोई नहीं, इसी तरह अगली बार बच्चा मंगाया फिर आपके कुछ पैसे बचे उन्होंने फिर कह दिया रख लो कोई नहीं, तो इसके बाद ये आपके जो है ना आदत के अंदर घर वालों की शामिल है कि अगर वो कम पैसे बचते हैं तो वो आपको दे देते हैं और इस बात को कहते हैं कि चलो रख लिया करो, तो इस सूरत में फिर बार बार उनको बताना नहीं, क्योंकि ये अब इनके जो है ना कॉल से और इनके फेल से यानी ना मांगने वाले फेल से भी जो है वो जाहिर है कि वो पैसे उनको खबर है। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट है या सामान की कीमत की उनको असल कीमत की खबर नहीं थी तो उनको बता देना चाहिए ये पैसे इतने के, बाकी इतने कम पैसे कि जिसमें उनको एतराज़ नहीं होता और वो दे भी देते हैं उमूमन, तो उस पैसों को जो उर्फ में जारी रखे जा सकते हैं और उसमें भी बताना बेहतर है कि उनको बता दिया जाए। गुनाह वाली सूरत ये होगी कि उनके गुमान में ये चीज़ ना हो कि भाई ये चीज़ 100 रुपये की और वो चीज़ इत्तेफाक से बहुत सस्ती आपको मिल गई, मसलन 60 रुपये की मिल गई, घर वालों को गुमान में 40 रुपये थे और यानी 100 रुपये की सामान था और वहाँ आपको 40 की मिल गई, तो ऐसी सूरत में आपको घर वालों को पैसा बताना पड़ेगा। बता कर रख लें अलग बात है, लेकिन देना पड़ेगा। अगर वो पैसा बिना दिए रखेंगे तो ये आपके हक में जायज़ नहीं होगा।